अगले महीने तक हो जाएगी ये गाजर। तो दोस्तों ये कद्दू हो चुका है, देखिए किस साइज़ के टमाटर हैं। और इतनी सब्जियाँ निकाल चुकी हूँ मेरे से, अभी भी खाई नहीं जा रही है और मेरे घर वालों से भी खाई जा रही है। मैंने आज भी 2-3 किलो भिंडियाँ तोड़ी हैं और उससे पहले भी दो, और मैं दिखाऊंगा आपको डिटेल में। हेलो गाइस, वेलकम बैक फिर से मेरे एपिसोड 2 में, जो कि मैं फार्मिंग को लेकर आने की बात कर रहा था आपसे। और मैंने 14 छोटे छोटे पार्टीशन करके खेत बना रखे हैं, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि ये बिल्कुल ही बंजर पड़ी हुई थी ज़मीन जो थी मेरी, ये एरिया। और वॉशरूम मैंने बना रखा है अपने लिए, और ये मेरा खेत है जिसमें 14-13 पार्टीशन करके मैंने अलग अलग सब्जियां उगा रखी है, जिससे कि मैं अपने भी यूज़ में ले सकूं और अपने मुर्गियां मेरी फ्री रेंज की रखी चुक रही हैं, इनके लिए भी सब्जियां निकाल सकूं मैं। तो मैं आपको पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्री रेंज के लिए मुर्गी की प्रॉपर व्यवस्था कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं अपनी मुर्गी पालन करके। तो दोस्तों ये कुछ मुर्गियाँ मेरी बाहर भी घूम रही हैं, ये बाहर ही रहती हैं इस पिंजरे में, बड़ा सा पिंजरा बना रखा है मैंने, जो खुड्डा भी बोल सकते हैं। तो मेरी 20-25 मुर्गियाँ बाहर रहती हैं हमेशा मुर्गों के साथ, और ये मेरी मुर्गियाँ हैं जो चुक रही है कड़कनाथ और देसी और आरियर मिक्स। ये देखिए ये टोटल उधर तक जो जगह है सारी ये फ्री रेंज की है, 3000 स्क्वायर फीट की। और ये मेरी शेड है जिसके अंदर रात को मुर्गियाँ रहती हैं, और ये मेरे पास और भी काफ़ी जगह है, उसको भी आने वाले टाइम में मैं मेहनत करूँगा और उधर भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ, मैं नीचे उतर के दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या लगाया है और क्या क्या मैं बेनिफिट उठाता हूँ इससे। दोस्तों मैं काफ़ी सब्जियाँ निकाल चुका हूँ और आगे भी निकालूंगा, तो चलिए चलते हैं नीचे। तो दोस्तों ये मैंने भिंडी लगा रखी है, देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया, मेरे को इतनी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे को अब पता चल चुका है कि आगे कैसे फार्मिंग करनी है और मैं सब्जी किस तरह लगाऊँ। ये देखिए बहुत सारी भिंडियाँ, 3 भारी तोड़ चुका हूँ। ये देखिए ये भिंडी है जो कि मैंने इतने एरिया में उगा रखी है, और ये मैं घर के लिए यूज़ करता हूँ भिंडियाँ, मुर्गियों को नहीं देता। इससे इतनी भिंडियाँ खा चुका हूँ मैं कि खा खा के मैं रच गया हूँ, और आगे भी दिखाऊँगा आपको। दोस्तों ये देखिए ये टमाटर है सारे, देखिए ये टमाटर उग रहे हैं, ये टमाटर उग रहे हैं, ये देखिए ये टमाटर उग रहे हैं, ये सारे टमाटर उगेंगे अभी। और दोस्तों ये बैंगन है, ये देखिए उधर तक ये बैंगन ही बैंगन है, ये भी मेरे को किसी ने बताया था, मैंने बहुत कम गैप में कम गैप दे के लगा दिया। चलो जो भी था मैंने मेहनत करा, मैंने ट्राई करा कि आगे से ना हो ऐसी दिक्कत, और मैं आगे जब भी लगाऊंगा तो मेरे को पता चल चुका है इस तरह लगानी है, तो तब भी इसमें बैंगन उगेंगे। ये देखिए कितने सारे बैंगन हैं। और ये दोस्तों ये पुदीना मैंने मार्केट से लाया था, गुच्छे खरीद के, तो ये गुच्छे में मैंने सारी लगा दी थी। ये देखिए दोबारा उग चुकी है पुदीना, इतनी बढ़िया पुदीना है देखिए। और दोस्तों ये मैंने मुरिंकी का पेड़ लगाया था, जो कि मुरिंका है, मुरिंगे इसके पत्ते भी खाती है और इसके ड्रमस्टिक की सब्ज़ियाँ भी होती हैं जो कैल्शियम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। दोस्तों ये गाजर है, ये गाजर लेके आया था मैं, और ये तकरीबन होने वाली है। देखिए दोस्तों ये अभी टमाटर उगेंगे सारे, ये देखिए ये चौलाई है, ये देखिए ये चौलाई का साग है, इसके बीच में भी टमाटर कहाँ से आ गया फिर से। ये देखिए ये इतनी चौलाई हो चुकी है, अब मैं इसको मुर्गियों को डाल दूँगा बाकी 1-2 दिन में तोड़ के। और दोस्तों ये मिर्ची है, मिर्ची के पौधे, ये देखिए इसमें इतनी मिर्ची हो जाएगी कि मैं खुद भी खा सकूँगा और घर वालों के लिए निकाल दूँगा। और दोस्तों ये मिर्ची है, ये मुर्गियों को भी खिलाते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है मुर्गियों के पेट के लिए। बोलते हैं कि जिस जो मुर्गी अंडा नहीं देती उसको मिर्ची खिलानी चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों ये देखो, देखो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँगा, ये देखिए, ये देखिए ये कद्दू है, ये कद्दू का पेड़ है, बेल है कद्दू की, ये देखिए ये रहा कद्दू, इसमें बहुत सारे ढेर सारे कद्दू आ रहे हैं दोस्तों। ये पीला हो चुका है, लेकिन ये देखिए ये चल रहा है कद्दू। दोस्तों इसमें इतने कद्दू रहेंगे कि मेरे से खाया जाएगा, और मैं मुर्गों को डालूँगा, ज़रूर डालूँगा इसमें। दोस्तों मैंने गन्ने लगाए थे, गन्ने लाया था मैं गाँव से, मेरे फादर साहब गए थे तो मैंने उससे गन्ने मंगाए थे, और ये गन्ने मैंने लगा दिए, गन्ने उग चुके हैं। दोस्तों थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी थी, लेकिन मेहनत सफल हुई है, उसका मेरे को बहुत अच्छा मेहनत सफल हो गई है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और दोस्तों ये धनिया लगाई थी मैंने, देखे धनिया ये बीज आ चुके हैं धनिया के, ये देसी धनिया है, और मैंने इतनी धनिया खाई है, अपने पड़ोस में भी खिलाई है, और मुर्गियों को भी बहुत धनिया खिलाई है इसमें से। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई
के पास जगह है वो इस तरीके से उपयोग कर सकता है और मुर्गी पालन का खर्चा कम से कम कर सकता है। दोस्तों ये देखिए इतने एरिया में है, लगभग ये 500 स्क्वायर फीट जगह है और जबकि मैंने इसमें 3 पार्टीशन उगाए नहीं है अभी, कुछ 1, 2, 3, 4 पार्टीशन मैंने उगाए नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई अगर मुर्गी पालन करते हैं तो इस तरीके से फार्मिंग करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद करी रहेगी। और दोस्तों ये करेले का पेड़ है, करेले का बेल है सॉरी, ये देखिए ये भी कुछ टाइम बाद इसमें करेला आ जाएगा। ये देखिए करेला आ चुका है, ये देखिए दोस्तों ये करेला है, ये छोटा सा ये करेले आ जाएंगे और वो भी कद्दू है, देखिए बहुत सारे कद्दू है इसमें। तो इस तरह से हम फ़ायदा ले सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये करेले की बेल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैंने इन घास के बीच में घास तागी है इनसे पहले, इधर मैंने अरबी के पत्ते लगाए हैं काफ़ी ज़्यादा, 20-30 जड़ लगाई है उसकी, और मैं इधर भी सफाई करके इधर अरबी के पत्ते लगा दूँगा जो कि मेरे घर वाले बहुत पसंद करते हैं। और ये नाली है, नाली से पानी जाता है सीधा, इनमें लगता रहेगा। और दोस्तों उधर की तरफ एक नदी आती है छोटी सी, ये भी ज़मीन हमारी है, और वहाँ से जो पानी आता है उसके पानी के किनारे किनारे मैंने 20 मुरिंका के पेड़ लगा दिए, जिसमें से 15 लग चुके हैं, और उसकी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको आने वाले टाइम में जैसे ही बड़े हो जाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। दोस्तों इस तरह से हम खाली जगह का प्रयोग करके सब्जियां हम घर के लिए और मुर्गी पालन के लिए फ्री रेंज का खर्चा उठाने के लिए हम ये भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी एलोवेरा भी लगानी है, इसमें पूरे मैं एलोवेरा लगाऊंगा जो कि मैं हफ्ते में 2 बार इनको मुर्गियों को दूंगा। और दोस्तों मैं इससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है सच में, मैंने इतनी सब्जियाँ खा चुका हूँ कि घर में हर दूसरे दिन फार्म से सब्जी जाती है कुछ ना कुछ, इधर से भिंडी जाती है, बैंगन भी जाएंगे, चौलाई जाती रहती है, और पालक है, ये कद्दू आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, उधर गन्ने हैं और फली के हैं जिसे बीन्स कहते हैं, और तरबूज भी लगा रखे हैं, खरबूज भी लगा रखे हैं, और इधर बीन्स है छोटी दूसरी वाली, लोबिया बोलते हैं जिसे। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि जो भी मेरे किसान भाई के पास जगह है वो खाली जगह का प्रयोग करें और फ्री रेंज के लिए हरा चारा मुर्गियों के लिए लगाएं, और जिससे कि तुम्हारा भी बेनिफिट हो और मुर्गियों का भी हो। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि जो भी मेरे किसान भाई के पास थोड़ी सी भी जगह है, बेल लगाने के लिए भी जगह है, बस उसमें जो भी बेल लगाए, पौधा लगाए और मेडिसिनल प्लांट लगाए, एलोवेरा जैसे, पुदीना जैसे, जो कि आपकी मुर्गियों के पेट के लिए और मुर्गियों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और ऑर्गेनिक फार्मिंग होती रहेगी आपकी। ये देखिए ये जगह है, वो मैं ऊपर आके द्वारा दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं आशा करूँगा कि मेरी वीडियो ये पसंद आएगी मेरे व्यूअर्स को, और आने वाले टाइम में दोस्तों मैं इधर भी पार्टीशन करके कड़कनाथ का अलग और देसी का अलग फ्री रेंज रखूँगा। और ये इसकी शेड है देखिए, और ये गली है पीछे फार्म की, ये सफ़ेदे मेरी बाउंड्री के अंदर है, ये काफ़ी जगह है। तो जिस किसान के भाई के पास थोड़ी से छोटी जगह से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी मुर्गी पालन से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे इनबॉक्स में, हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। तो आशा करूँगा मेरी वीडियो ये पसंद आएगी, और जल्दी मैं दूसरी वीडियो लाऊँगा मुर्गी पालन से रिलेटेड आपकी नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।